पार्टी के द्वारा सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति, सत्ता प्राप्ति संकल्प यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए लोकसभा प्रभारी लोकेंद्र सिंह पहुंचे। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति हेतु सत्ता प्राप्ति संकल्प यात्रा 26 तारीख को गुना में प्रवेश करेगी, जो कि गुना में कई गांवों में घूमती हुई शहर में भी आएगी। इसके पूर्व जिले के लोकसभा प्रभारी एवं बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी लोकेंद्र सिंह गुना पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। वहीं उन्होंने सिंधिया पर भी निशाना साधा और कहा कि सिंधिया द्वारा गुना में एक भी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं किया गया, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्व उनके पिता यहां से सांसद रहे हैं, फिर भी गुना को उपेक्षित छोड़ रखा है। उन लोगों को और कितना समय चाहिए विकास के लिए? तो उसी कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतर रहा है, तो ये तय कर दिया कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का संकल्प हो चुका है, दोनों का गठबंधन हो चुका है। 3 सीटें पार्टी ने खजुराहो, बालाघाट और टीकमगढ़ ये समाजवादी पार्टी को दी है, और बाकी की 26 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। टीकमगढ़ तो लोकतंत्र में पारंपरिक सीट तो नहीं होती है, लेकिन आज भी किसी न किसी माध्यम से जो राजवंश, जो राजतंत्र आज़ादी के पूर्व करते रहे हैं, आज भी उसको कायम रखना चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस बार दमदारी से चुनाव लड़ेगी, अपने कार्यकर्ता के दम पर, अपने वोटर के दम पर, अपने नेता के दम पर। प्रत्याशी गुना, अशोकनगर, शिवपुरी को लंदन, पेरिस और अमेरिका की तुलना से खड़ा करते हैं। दूसरा, युवाओं को आप देखिए, बेरोजगार होता जा रहा है, कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है यहाँ पर, कोई बड़ी इंडस्ट्री आप लोगों को बताएं जो देश में जानी जाती हो, यहाँ पर कोई बड़ा कारखाना स्थापित किया हो। भाई आपके पिताजी सांसद रहे, मंत्री रहे, आप रहे, लेकिन आप ये बताओ इतने वर्षों के शासन के बाद भी कोई बड़ा औद्योगिक सेंटर यहाँ स्थापित नहीं किया गया। जो 70 साल से आप शासन कर रहे हो लोकतंत्र के माध्यम से, तो और कितना समय लगेगा आपको इंडस्ट्री लाने में? या तो जनता को बता दोगे भाई 10 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, या नहीं ला पाऊँगा। इसका मतलब आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, जनता को भ्रमित कर रहे हो। अभी मैं रात को भ्रमण पर गया कुछ गाँव में, अशोकनगर, गुना के आसपास किसानों के, हम गए रात को 1-1:30 बजे, हमारे कार्यकर्ता साथ में थे, दिल्ली साथ में थे सभी लोग। गांवों में मवेशी जानवर किसानों को नहीं सुनने दे रहे हैं रात में। अब यह हालत हो गई है कि दिन में किसान हल चलाए और रात में जानवरों को रुकाए। कब सोएगा किसान, कब आराम करेगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यक्ति गंभीर बीमार हो जाता है तो इलाज के लिए इंदौर जाता है, भोपाल जाता है, ग्वालियर जाता है। आपने सारी सुविधाएं बाहर देखी होंगी, इस प्रदेश के बाहर भी देखी होंगी, वही हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट जिसे हम बोलते हैं, कोई आपने गुना में स्थापित नहीं किया, शिवपुरी में नहीं किया, अशोकनगर में नहीं किया। आज की तारीख में किसी को मुंबई जाना हो, किसी को अहमदाबाद जाना हो, किसी को पुणे जाना हो, तो आप सब मेरे को बताएं कौन सी ट्रेन जाती है गुना शिवपुरी से। हमको चार्ट देखना पड़ेगा कौन सी ट्रेन हमको दिल्ली लेकर के जाएगी, कलकत्ता लेकर के जाएगी, बेंगलोर लेकर के जाएगी। ट्रेनों का कोई जाल नहीं है। इंदौर जैसी सिटी में भी टॉप क्लास का, वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट स्थापित हो गया। आज इंदौर से हर 5-10 मिनट पर फ्लाइटें जाती हैं दिल्ली के लिए, अहमदाबाद के लिए, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, यहाँ तक कि दुबई के लिए भी शुरू हो गई अभी। मुझे बताओ यहाँ पर एयरपोर्ट है क्या? नहीं है। कौन सी फ्लाइट जाती है? जाती है। तो फिर भाई हमारा भी हुआ, हमारा जो समृद्ध व्यक्ति है, जिसको कोई बीमारी आ जाए, जिसको कोई कार्य आ जाए, जिसको व्यावसायिक गतिविधियाँ संलग्न करनी हो, कोई अलग क्रियान्वयन करना हो, तो वो भी फ्लाइट की सुविधा रख सकता है। भाई एयरपोर्ट हम बना सकते हो आप, इसको वो नहीं बनाया,